अगर आप गूगल में कुछ टाइप करें तो आपको, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप कुछ टाइप करते हैं गूगल आपको नीचे कुछ रिलेटेड क्वेरीज दिखाना शुरू कर देता है। असल में वो सजेस्टेड कीवर्ड्स बोलते हैं, जो ये सजेशंस बेसिकली गूगल जनरेट करता है डिपेंडिंग ऑन कि आप जैसे बाकी लोग इस क्वेरी को कैसे लिख रहे हैं। तो ये क्वेरीज जो हैं बेसिकली हमें ये इंडिकेशन देती हैं कि जो हम सर्च करने जा रहे हैं वो किस तरह से बाकी लोग भी उसको पॉपुलर क्वेरीज किया है। तो गूगल ट्राई करता है कि अगर आपकी भी उसी से रिलेटेड क्वेरी है तो आप वही सिलेक्ट करेंगे, आपको पूरी फ्रेज लिखनी नहीं पड़ेगी और आपको क्लिक करने से सर्च हो जाएगा। अब ये एक और गोल्ड माइन है इस तरह से कि लोग इसको नहीं समझते कि ये भी कीवर्ड्स की शक्ल में हमें एक डेटा गूगल प्रोवाइड करता है, कि बजाय इसके कि हम गूगल पे जाके कीवर्ड रिसर्च करें, ये वो डेटा है जो गूगल समझता है कि लोग शायद लिखेंगे। ये वो सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं कि लोग जो है ना उस पर लिखते हैं रेगुलरली और आप टाइप करते हैं। सो आपने इनको भी नोट करना होता है, इनको भी आप लिस्ट डाउन कर लें, अपनी क्वेरी लिखें अपने कीवर्ड से रिलेटेड। डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस क्या करता है, आप देखें कि आपका यूज़र क्या सर्च करेगा, वो सर्च करने खुद बैठ जाएं और देखें कि गूगल उनको क्या सजेशन देता है कि भाई आप वो जो सजेशंस हैं उनको यूज़र को कैसे नज़र आ रही हैं और आपको कैसे नज़र आ रही हैं। अगर उन सजेशंस के अगेंस्ट भी आप कंटेंट क्रिएट करें और उन कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट पे डालें, तो अगर कोई बंदा वो सजेशन एक्सेप्ट करके उस पे कोई सर्च करता है तो क्या होगा कि वो कीवर्ड आपने ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़ किया होगा और वो आपकी वेबसाइट ही रिजल्ट आएगा। मैं आपको एक छोटा सा लाइव डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह से ये फीचर काम करता है, बाकी आपने अपने बिज़नेस या अपने क्लाइंट के बिज़नेस के मुताबिक इसको देखना है कि किस तरह से ये आपके SEO के प्रोजेक्ट में रेलिवेंट है और किस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के अगेंस्ट इन कीवर्ड्स को निकालना है। आइए देखते हैं। जब आप google.com पे जाएं तो आप सर्च इंजन आपको नज़र आएगा, उस सर्च इंजन में आप कुछ भी लिखना शुरू करें। मैं फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन की ही एग्जांपल लूँगा। जैसे देखेंगे आप, मैंने मोबाइल ही लिखा, अभी ई भी नहीं लिखा, तो नीचे गूगल ने मोबाइल मॉबलिंग इंटरनेट पैकेजेस वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें उससे मुझे शो कर दी हैं। अब इससे मुझे आइडिया हो रहा है कि ये वो रेगुलर सर्चेज हैं जो लोग इस तरह के कीवर्ड लिखते हैं, लेकिन मैंने तो कुछ और सर्च करना था क्योंकि मैं मोबाइल फ़ोन ढूंढना चाह रहा हूँ। तो मैं मोबाइल पूरा लिखूँगा और फ़ोन लिखने की कोशिश करूँगा। तो देखें जैसे जैसे मैं पी लिखा तो उसने प्राइस और फ़ोन और प्राइसेस इन पाकिस्तान ये सब चीज़ें एसोसिएशन दिखा दी। मैंने एच लिखा तो वो उसने फ़ोन की प्राइसेस और फ़ोन कैसे और सब फ़ोन पी एच वाली चीज़ें आ गई और फोटो भी दिखा रहा है, फेस भी दिखा रहा है। अब गूगल को नहीं आइडिया कि मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ, तो मैं अगर फ़ोन ओ लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि वो ए वाले ख़त्म हो गए हैं और उसके बाद एन लिखता हूँ तो बिल्कुल फ़ोन जैसी स्पेसिफिक क्वेरीज आना शुरू हो गई हैं, और ई लिखा तो मतलब फ़ोन पूरा ही आ गया। अब आगे मैं प्राइस लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि सिर्फ प्राइस से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें, प्राइसेस इन चाइना, प्राइसेस इन कनाडा, इंडिया, कराची, यूके और सैमसंग प्राइस और सब चीज़ें ये चलती चली जा रही हैं। आपने यहाँ पर अपने कीवर्ड को टाइप करना है जैसे लोग सर्च करेंगे, और आपने यहाँ देखना है कि आपसे रिलेटेड सर्चेज में वो क्या क्या आ रहा है जो गूगल को लगता है कि वो बेहतर सर्च रिजल्ट है। इसका रिकॉर्ड बना लें, इसको अपने कीवर्ड स्ट्रेटजी में ऐड कर लें, और ये जब आप ऐड कर लेंगे तो आप ये भी एक कीवर्ड टाइप है जिससे आपको क्वालिफाइड डेटा मिलता है, क्योंकि गूगल खुद आपको सजेस्ट कि आपके कीवर्ड जो आप लिखना चाह रहे हैं इस क्वेरी को लोग कैसे सर्च करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि हमने सजेशंस गूगल की जो फॉलो की उसमें जैसे जैसे आप टाइप करते हैं तो उसमें नीचे गूगल जो आपको सजेशंस दिखाता रहता है, उन सजेशंस को अगर आप एज ए कीवर्ड लेंगे और अपनी क्वेरी के अगेंस्ट आप उसको कीवर्ड लिख कर उनको मज़ीद रिसर्च करके मज़ीद कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, या उनको अपने कीवर्ड या अपने पेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही क्वेरीज हैं जो गूगल को लगता है कि लोग सर्च करेंगे अगर वो लिखना शुरू करेंगे। जैसे आपको वो सजेशंस दिखा रहा है वो वैसे लोगों को भी सजेशंस दिखाता है, और उन सजेशंस के अगेंस्ट लोग अगर क्लिक करना शुरू कर दें तो किसी को पूरा टाइप नहीं करना पड़ता। ये वो कन्वीनियंस है जो गूगल अपने यूज़र्स को देना चाह रहा है, लेकिन अगेन ये एक हमारे लिए डेटा गोल्ड माइन भी है। अगर हम इसको भी डेटा यूज़ करके अपनी SEO में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी SEO कदरे बेहतर हो सकती है।